आप कैसे हो? आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि अपनी इस्त्री जो होती है मशीन, ये प्रेस होती है, इसके अंदर कई बार करंट आ जाता है, तो आप किस तरीके से इस करंट को हटा सकते हो या इसे कैसे ठीक कर सकते हो, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं। ये नीचे साइड से करंट कई बार लगता है, तो सबसे पहले आपको इसके पीछे की साइड इस तरीके का एक आपको स्क्रू मिलेगा। आपको इस स्क्रू को खोल लेना है। मैंने पहले से ही खोल रखा है, तो मैं एक बार निकाल देता हूं और इसको इस तरीके से आपको इस कवर को इस तरीके से पकड़ कर निकाल लेना है। इस तरीके से कवर निकल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके के आपको ये अपने नट कुछ नट वोल्ट दिखेंगे, ये नीचे वाले नट आपको खोल लेने हैं। आप वीडियो में बने रहें, मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ। इस तरीके से मैंने इस वोल्ट नट वोल्ट को खोल लिया है। खोलने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ पर आपको एक ऊपर ये कम तेज का आपको ये ढक्कन मिलता है, जो अपने ऊपर ये प्रेस के ऊपर होता है, इसको मैंने हटा लिया है। आप देख सकते हो दोस्तों, इस तरीके से मैंने हटा लिया है और इसको ऊपर वाले साइड को आपको निकाल लेना है। इसके ऊपर आपको दो स्क्रू और मिलेंगे, आपको इनको भी खोल लेना है। इस तरीके से मैंने ऊपर वाले है इस तरीके के ये नट वोल्ट हटा लिए हैं, और इन नट वोल्ट को इस तरीके से हटाने के बाद आपको पीछे की साइड यहाँ पर दो नट वोल्ट और आप लोगों को देखने मिलेंगे। ये वायर यहाँ से निकल जाएगी और आसानी से आप यहाँ से हटा सकते हो। तो इस नट वोल्ट को भी आपको आसानी से खोल लेना है। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो थोड़ी लंबी बेशक से होने वाली है, पर आपको अच्छी तरीके से हम कर दिखाएँगे कि आप करके दिखाएंगे कि आप किस तरीके से प्रेस को, अगर करंट आ रहा है तो आप किस तरीके से ठीक कर सकते हो। तो वीडियो में बने रहें। इस तरीके से मैंने ऊपर वाली हटा ली है, तो हटाने के बाद आपको इस तरीके से इसको निकाल लेना है। ये कवर अलग निकल गया है। निकलने के बाद आपको यहाँ पर कोई भी वायर देख सकते हो, जैसे कि ये कटा हुआ है और इसके ऊपर टेप भी लगी हुई है, तो आपको सभी कनेक्शनों को एक बार खोल कर और यहाँ से काट कर फिल छील कर और अच्छी तरीके से लगा देना है। कई बार हमारे वायर में कार्बन भी आ जाता है और कई बार वायर भी जल जाते हैं, तो सभी इस तरीके के कनेक्टर खोल कर और आपको सभी वायर छील कर अच्छी तरीके से फिर लगाने हैं, और फिर देखेंगे कि ये करंट इसमें आ रहा है या नहीं। तो सबसे पहले मैं एक एक कर इन्हें दोनों वोल्ट को खोल लेता हूं। इस तरीके से मैंने दोनों इस नट को खोल लिया है। खोलने के बाद इसे अलग रख लेंगे, और इसके बाद आपको एक और ये अर्थिंग का मिलेगा, तो आपको इसको भी हटा लेना है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं कि ये देख सकते हो थोड़ा सा ये वायर टूटा हुआ है, और इसके अंदर वाला भी वायर बेसिक से टूटा मिलेगा, और आपको सभी नट वोल्ट को छील कर वापस से हम इसको लगाने वाले हैं, ताकि नया वायर अच्छी तरीके से लग जाए और बॉडी पर टच ना हो, इसीलिए करंट आता है। तो आपको सभी को इस तरीके से लगा कर हटा लिया है मैंने। हटाने के बाद ये नट मैं अलग रख लेता हूँ, और आपको मैं दिखाता हूँ। इस तरीके से मैंने इन दोनों वायर को खोल लिया है, और इस तीनों वायर की ये अगली वाली जो हमारी पिन है, इसको एक बार आपको निकाल लेना है, और तीनों को फिर से छील कर लगाने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहें, और सबसे पहले इसको छोल कर मैं लगा लेता हूं, और आप वीडियो में ज़रूर बने रहें। तो इस तरीके से मैंने वो वायर छील कर और मैंने इस तरीके से सेट कर दिए, मैंने आपको दिखाई नहीं है, और उसी तरीके से मैंने सेट कर दिए हैं वापिस से छील कर, और मैंने इसको बोर्ड में लगा दिया 220 वोल्ट में, और इसकी ये
रेड बत्ती, ये लाल बत्ती वाली ये ख़राब हो रही है तो आपको नहीं दिखेगी। और मैं एक बार आपको इसको टेस्ट भी करके दिखा देता हूँ मल्टीमीटर की द्वारा कि इसके अंदर करंट आ रहा है या नहीं। तो मैंने इसको 220 वोल्ट में लगा दिया है और यहाँ पर मैं मल्टीमीटर रख देता हूँ, इसके अंदर आप रीडिंग भी देख सकते हो कि बिल्कुल भी करंट नहीं आ रहा है। इस तरीके से देख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल भी करंट नहीं आ रहा है। और मैं एक बार आपको हाथ भी लगाकर दिखा देता हूँ, इस तरीके से देख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल भी करंट नहीं आ रहा है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।